नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल न्यूज पर इस वक्त की खबर। जनपद के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया सेवा पखवाड़े का शुभारंभ। अधिकारियों व भाजपाइयों ने स्वच्छता का दिया संदेश। पीएम मोदी के दीर्घायु होने की सभी भाजपाइयों ने ईश्वर से की कामना। सूचना विभाग हापुड़। आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा द्वारा शुरू किए गए सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल व जनप्रतिनिधियों ने नगरपालिका परिषद हापुड़ कार्यालय से किया। नगरपालिका परिसर में प्रभारी मंत्री ने स्वच्छता का संदेश दिया। इसके अलावा प्रभारी मंत्री समेत सभी लोगों ने पीएम मोदी की दीर्घायु व स्वस्थ रहने की ईश्वर से कामना की और उन्हें बधाई भेजी है। इस मौके पर जिला प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक प्रत्येक दिन सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम में आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर नगर पालिका परिसर में सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा व सफाई किट बांटी तथा सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इसके उपरांत प्रभारी मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है। भ्रष्टाचार व गुंडागर्दी का खात्मा किया जा रहा है। प्रदेश में भयमुक्त माहौल बनाया गया है। इसके बाद उन्होंने दीवान इंटर कॉलेज में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके उपरांत प्रभारी मंत्री ने समस्त भाजपाइयों के साथ दीवान इंटर कॉलेज में लगी हुई प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा प्रीत विहार स्थित भाजपा स्थित जिला कार्यालय पर रक्तदान शिविर का भी शुभारंभ किया। इस शिविर को युवा मोर्चा के तत्वावधान में लगाया गया तथा शिविर में 74 यूनिट रक्तदान हुआ। इस अवसर पर सदर विधायक विजय पाल आरती, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश तोमर, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, डीएम प्रेरणा शर्मा, नगर पालिका के प्रभारी ईओ, क्षेत्रीय महामंत्री पुनित गोयल, भाजपा जिला महामंत्री मोहन सिंह, पुनित गोयल, श्यामेन त्यागी, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर पायल गुप्ता, विनोद गुप्ता, अशोक बबली, सुनील वर्मा, नितिन पाराशर, दीपक भाटी, अनिरुद्ध कस्तला, मोहित पाल, परवीर शर्मा आदि मौजूद थे। इसके साथ ही माननीय प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नगर पालिका परिसर में आयोजित हवन में आहुति दी तथा भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, विश्वकर्मा जयंती है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी प्रतिवर्ष सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है। आज भी उसी क्रम में मेरे हापुड़ जनपद में प्रभारी मंत्री होने के नाते यहाँ पर आया हमारी डीएम, हमारे विधायक, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष रेखा नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी पदाधिकारी, समाज के सब लोग, सब ने मिलकर के सप्ताह सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान चला करके लोगों को प्रेरित करने का काम किया कि गंदगी तो स्वाभाविक है लेकिन हमारे कारण से गंदगी ना हो, हम गंदगी के दोषी ना बने और जो गंदगी हम करते हैं उसका निस्तारण हम स्वयं करें और उसको करवा करके उचित स्थान और सफाई करी होगा सम्मान भी करें। स्वयं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब कुंभ हुआ उसके अंदर स्वच्छता के जो कर्मचारी थे उनके चरण धो करके उनको सम्मान करने का केवल इसलिए किया ताकि जो सफाई कर्मी है वो कोई समाज के अछूते व्यक्ति नहीं है, वे भी समाज के लोग हैं, समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सफाई कर्मचारी हैं तो उनका सम्मान समाज के सब लोग करें, ये संकल्प भी आज है। लगातार कार्यक्रम, ये ब्लड डोनेशन कैंप भी है, रक्तदान शिविर, ये कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर्तृत्व व्यक्तित्व सरकार की योजना उसको लेकर के एक प्रदर्शनी भी दीवान इंटर कॉलेज में लगी, दीवान इंटर कॉलेज में लगी है और आदरणीय अभी मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि ये प्रदर्शनी जनपद के प्रत्येक डिग्री कॉलेज में, इंटरमीडिएट कॉलेज के अंदर लगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व को देख करके, उनकी कार्यशैली को देख करके, उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें और आगे बढ़ने का काम कर सकें।